बजे रात हो, 11 बजे रात हो, एक समय था जब लोग स्टेशन पर उतरते थे रात में 2 बजे तो घर नहीं आते थे, टेम्पू रिक्शा नहीं मिलता था, लेकिन आज बेधारल्य लोग 2 बजे भी अपना घर में पहुंच जा रहे। यही है नीतीश, हम आया होगा उसके माता पिता के कार्यकाल में जो होता था, 118 नरसंहार हुआ उनके माता पिता के कार्यकाल में, सजा नहीं होती थी, FIR नहीं होती थी, मुख्यमंत्री आवास में छुपे रहते थे सब अपराधी। आप लोग बताइए प्रचार क्या कर रहे हैं, उस आदमी बार बार नाम लेकर के तो आप लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, TRP उसका बढ़ा रहे हैं, ये सब छोड़िए। अभी आपको ये सोचना चाहिए कि बिहार में देखिए, हर आदमी को जो पता है कि नीतीश कुमार जी के समय में बिहार क्या कितना डेवलपमेंट किया है, तो आप जो है उनको तो ये बोलना चाहिए राष्ट्र राज्य के हित में दल के ऊपर उठ करके सोचना चाहिए कि आज बिहार जो है पहले जो झारखंड से अलग हुआ उस समय बिहार की स्थिति क्या थी और उनके टाइम में क्या स्थिति थी। आज के डेट में आज भी समाज में चले जाइए, जितना भी तरह की बातें होती है आप लोग को पता चलेगा कि कौन करता है नहीं करता है, सब लोग अवगत है, लेकिन आज हमारे बिहार के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बदौलत आज 10 बजे रात हो, 11 बजे रात हो, एक समय था जब लोग स्टेशन पर उतरते थे रात में 2 बजे तो घर नहीं आते थे, टेम्पू रिक्शा नहीं मिलता था, लेकिन आज बेधारल्य लोग 2 बजे भी अपना घर में पहुंच जा रहे। यही है नीतीश कुमार जी की सरकार और बिहार की जनता समझ रही है इस बात को, तो लोगों को गलगलाने से कुछ नहीं होगा, बिहार की जनता देश की जनता समझ रही है कि नीतीश कुमार जी कैसे देखिए। डीजल गाड़ी आपको पता है बंद करने का आदेश हुआ था, हम लोगों ने सोचा था कि इसको कुछ दिन के लिए मोहलत मांग रहा था, स्कूल वाले लोग आए थे, लेकिन ये कोर्ट में मामला चला गया। जब कोर्ट में मामला चला जाता है तो न्यायालय का मामला होता है, उसमें जब न्यायालय का जो फैसला होगा उस सब माननीय थमाया है आप उसको हम देखे नहीं है, लेकिन जो थमाया होगा उसके माता पिता के कार्यकाल में जो होता था, 118 नरसंहार हुआ उनके माता पिता के कार्यकाल में, वो बतावे उनके माता पिता के कार्यकाल में जो 118 नरसंहार हुआ तो नीतीश कुमार के राज में कार्यकाल में कितना नरसंहार हुआ, ये बुलेटिन पर जारी करना चाहिए। और बुलेटिन जो जारी किया है तो जो घटना घटती है हमारी प्रशासन के सेवक तुरंत कार्रवाई करते हुए FIR करके SP ट्रायल करके उसको सजा दी जाती है। उनके राज में सजा नहीं होती थी, FIR नहीं होती थी, मुख्यमंत्री आवास में छुपे रहते थे सब अपराधी। क्या बिहार में आम जनता सुरक्षित नहीं है, तेजस्वी यादव और उनके पार्टी के द्वारा लगातार सवाल खड़ा किया जा रहा है कि सड़क पर कोई सुरक्षित नहीं, बेतुका बयान दे रहे, जिस बयान का कोई मायने नहीं, बेतुका बयान। मांग जो 2012 में लोग स्टार्ट किए थे, विशेष राज्य की दर्जा नहीं देकर के बिहार को विशेष पैकेज देकर के बिहार को विकास के पटरी पर लाकर तेज गति से विकास,